अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आज फुर्सत के लम्हात कुछ मिले अपनी जात के हवाले से, और आई एम नॉट दैट गुड विद मेकिंग वीडियोस, बट एक अदना सी कोशिश है। ये मेरा भाई जो अपने आप को मेरा मजबूर, बल्कि यस बीन ऑन ए क्रुसेड की दुनिया को बताते हुए कि मैं शायद बहुत बड़ा हूं और ये बहुत छोटा है उम्र में। चले मेरा छोटा भाई, वी नो ईच अदर सिंस 2010। मैं हल्फन आपको कहता हूं, 10 नहीं, हाँ नहीं, 2010 सुनता तो था ना, लेकिन असल पहचान। अच्छा चलो, इसके अब रिमाइंड करा दिया तो ना हो। 2010 से एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानते थे। 2013 में जब हम, अल्लाह ने हमें इज्जत दी है, मैंने बने तो खान साहब ने हम सबको लाहौर हमें अकुमजी उसी इमरान भाई कैनाल पे जो है जमान पार्क हाँ, जब हमें वहां बुलाया, हाँ तो नमाज का टाइम हुआ तो नमाज के लिए मैं नीचे गया तो साहब बहादुर ने हमारी इमामत की। अब एक तो नमाज जब पढ़ी, अच्छा दिन पर नहीं देखा तो भाई वो नमाज पढ़ी, और उस नमाज के बाद आज तक हजरत मौलाना अली मोहम्मद खान रहमतुल्लाह अलैह साहब जो हैं, वो दिल में अल्लाह ने उनको उतारा। मतलब जो की जो बात मैं करने जा रहा हूं, 2010 चले 2013 से अब तक, इन सालों में अली मोहम्मद खान के हाथ से एक माचिस की तीली, एक चिप्स, एक च्युइंगम छोड़े, कोई एक टक्का इसने जेब से इस्तेमाल नहीं किया कि कहीं भाई को, चले वो तो छोड़े। आज ये देखें, हक हलाल की कमाई से एक दो, साथ में ये चिप्स जिसको यादा खुद खोल के खा चुका है, और ट्रॉफीज भी हैं, तो अच्छा कुछ और भी है, यानी इसने आज कुछ 400-500 रुपए लगा दिए, खजाने के मुंह खोल दिए। चले मेरे पाकिस्तानियों, दुआ करें कि जिस मकसद के लिए हम जुड़े हुए हैं, अल्लाह उसमें हमें कामयाब करे और इस मुल्क को। यार भाई आप बड़े भाई हैं, मुझे आप पे फख्र है, और मुझे इस चीज पे खुशी है कि तहरीक इंसाफ ने खान साहब के अलावा जो चंद और लोगों से मिलाया, जिसमें आप भी उनमें शामिल हैं, मुराद सईद साहब हैं उसमें, और बड़े हमारे बड़े असद कैसर साहब बड़े भाई जैसे, और हैं हमारे दोस्त आतिफ खान साहब बड़े भाई जैसे, असद उमर साहब, लेकिन शहरयार भाई यू आर एट द टॉप। खान साहब के बाद जिन लोगों से हकीकी मानों में एक प्यार मिला, और फिर आप में वो क्या चीज थी जिसने हम दोनों को जोड़ा कि आप अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम लेते हैं और उनके नाम लेना है, उसका मुझे पहली बार शहरयार भाई एहसास हुआ कि पता नहीं आप रिकॉर्डिंग करें तो बात आ गई, वरना मेरा कोई प्लान नहीं था बात करने का। 17-18 में जब उमरा पे मैं गया था तो जो भी पाकिस्तानी मुझे हरम शरीफ में मिलता था वो मुझे कहता था कि जब मुझे मिलता था कहता था दो भाइयों और को हमारा सलाम पहुंचाना, पहले आपका नाम लेते थे शहरयार अफरीदी को, फिर कहते थे छोटे भाई मुराद को भी, मुराद सईद साहब का, उसको भी सलाम पहुंचाना। तो अल्लाह ने ये पता नहीं ऊपर ही हमारे रिश्ते जोड़ दिए हैं, अल्लाह करे कि ये जो हमारा ताल्लुक है ये पाकिस्तान की मजबूती और इस्लाम की खिदमत का जो है वो बाइस बने, और इंशाल्लाह खान साहब के साथ सिर्फ मैं और आप नहीं, हम जैसे लाखों करोड़ों यूथ टच हैं। ये आदमी के पीछे अल्लाह की दुआ है, चाहे कुछ भी हमसे गलती हो, नियत खान की ठीक है ना, अल्लाह ताला हमारा गलत भी सही कर देता है, क्योंकि वो पाकिस्तान से जनरली मोहब्बत करता है। और अभी भी यहाँ हम बात हो रही थी तो कुछ दोस्त आए जो शहरयार भाई और मेरे साथ सलाम वॉक कर रहे थे, तो उन्होंने, तो शहरयार भाई ने उनको क्या कहा, अपना मेरा नहीं कहा, शहरयार भाई ने उनको कहा कि खान साहब के ऊपर और उनकी जिंदगी के लिए दुआ करो। तो मैंने उनको कहा मजाकन, जब वो चले गए अपने लिए कोई दुआ करा लो, उन्होंने कहा नहीं, खान के लिए दुआ हो गई तो हमारे लिए हो गई। चले मेरे भाईयो, नियतों को रब जानता है, नियतों पे ही रब फैसले करता है। अल्लाह से इस्तेदा है, जुमे का बाबरकत दिन है, बैकग्राउंड में सूरह रहमान की तलावत हो रही है, अल्लाह हमें हक के लिए इस्तेमाल करे, और अल्लाह तमाम इंसानियत की खैर, इस धरती माँ की खैर, या अल्लाह मेरे लीडर को ऐसे नवाज के रोज़े महशर के दिन उनको इमामुल अंबिया बशमूल उम्मत के और पाकिस्तानियों के, उनका नाम लें और अल्लाह
हमें इस मकसद में कामयाब करे। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान, इंसानियत, इमरान खान, तमाम पाकिस्तानी कौम जिंदाबाद और पाइंदाबाद।